न्यायाधीश की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर, गाड़ी का पिछला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। बाल बाल बची न्यायाधीश महोदया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया, जालौन कोतवाली के सामने का मामला। बरेली में ग्राम प्रधान के साथ सिपाही ने की बदसलूकी, चौकी में शिकायत करने पहुंचे थे ग्राम प्रधान, नशे में धुत सिपाही ने की मारपीट, गाली गलौज, चौकी इंचार्ज ने सिपाही का कराया मेडिकल। बिजनौर में बाबा का चला बुलडोजर, तहसील प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। एसडीएम के आदेश पर हुई बुलडोजर कार्रवाई, अवैध कॉलोनी का गेट तोड़ने से मचा हड़कंप, बिजनौर के ईदगाह रोड का मामला। कुशीनगर में दिन दहाड़े ग्राहक सेवा केंद्र पर चोरी, चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, ग्राहक सेवा केंद्र से करीब 2 लाख की चोरी, कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र का मामला। अयोध्या में उत्तर प्रदेश प्राण प्रतिष्ठा समारोह में संतों को निमंत्रण मिलने पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने दी जानकारी, कहा 22 जनवरी को भव्य आयोजन पर करीब 6000 लोगों को दिए जा रहे हैं निमंत्रण कार्ड, जिसमें साधु संत की भी रहेगी उपस्थिति। गोंडा में सड़क पर मौत बनकर दौड़ी कार, नशे में धुत कार ड्राइवर ने कई लोगों को रौंदा, कार चालक घटनास्थल से फरार, स्थानीय लोगों ने प्राइवेट वाहन से घायलों को पहुंचाया अस्पताल। बरेली में पुलिस ने 3 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, 1 करोड़ की अफीम संग 3 तस्कर गिरफ्तार, तस्करों के पास से 5.2 किलो अफीम बरामद, थाना इज्जतनगर क्षेत्र का है पूरा मामला। हरदोई में थाने के बाहर पड़ी रही घायल महिला, बच्चों के विवाद में दबंगों ने महिला को लाठी डंडों से जमकर पीटा, दबंगों की पिटाई से घायल हुई महिला, हरदोई के अख्तियारपुर क्षेत्र का है मामला। अलीगढ़ में ईडी के अधिकारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, नक्शा पास करने के नाम पर अधिकारी ने ली रिश्वत, घूसखोर अधिकारी पर नहीं हो रही कार्रवाई। फिरोजाबाद में सेठ विमल चंद जैन ट्रामा सेंटर का वीडियो वायरल, कैंटीन मालिक ने किशोर को जमकर पीटा, फिरोजाबाद में थाना उत्तर इलाके की है घटना। लखनऊ में यूपी माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले प्रदर्शन, विधायक निवास पर तदर्थ शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन, वेतन और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन। हापुड़ में सिपाही ने वर्दी पहनकर बनाई रील, बुलेट बाइक में सवार होकर बनाई रील, रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, थाना हापुड़ देहात में तैनात है सिपाही को। मुजफ्फरनगर में पहुंचे रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी, कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी का किया स्वागत, सांसद निधि से बनने वाले स्टेडियम की करेंगे समीक्षा, मुजफ्फरनगर के जनपद के सावटू गांव में बनेगा खेल स्टेडियम। लखनऊ में एक्शन बोर्ड में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार मॉल एवेन्यू स्थित चिल्ड्रन पैलेस स्कूल पहुंचे, जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार अनुपस्थित मिले, 2 BLO के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश। ग्रेटर नोएडा में नीम के पेड़ से निकल रहा दूध जैसा पदार्थ, पेड़ के पास लोगों की लगी कतार, बोतल में दूध जैसे पदार्थ को भरकर घर ले जा रहे लोग। जालौन में मामूली विवाद में दबंगों का परिवार पर टूटा कहर, लाठी डंडों से पीड़ित परिवार की दबंगों ने की पिटाई, दबंगों ने महिला व लड़कियों के साथ की मारपीट, थाना सिरसा कलार के सिम्हारा की घटना। फिरोजाबाद में माँ रुद्राणी धाम रूपिया में अद्भुत अलौकिक रुद्राक्ष वाटिका को किया गया स्थापित, गणमान्य सदस्य रहे मौजूद। एटा में भूमाफियाओं और अतिक्रमणकारियों की दबंगाई, आम लिंक रोड पर काम हुआ बाधित, अतिक्रमण के चलते ठेकेदार ने काम रोका, आम लोगों को हो रही भारी समस्या, एटा के गांव अरबरगढ़ का मामला। हापुड़ में NH9 पर बड़ा सड़क हादसा, 2 कारों में हुई भिड़ंत, कार सवार 2 महिलाओं की मौके पर मौत, 4 लोग घायल। फिरोजाबाद के पालीवाल हॉल में नगर निगम मेयर कामिनी राठौर ने जीरो वेस्ट कार्यक्रम का किया आयोजन, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में चलाए जा रहे स्वच्छता कार्यक्रम के अभियान के अंतर्गत हुआ आयोजन। इटावा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 मोटर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों से 5 मोटरसाइकिल, 1 फर्जी नंबर प्लेट, 1 अवैध तमंचा व 2 जिंदा कारतूस और 315 बोर बरामद। सोनभद्र पुलिस के हत्थे चढ़े धर्म परिवर्तन करने वाले गिरोह के 42 लोगों पर थाना चौपन पुलिस द्वारा मुकदमा किया गया दर्ज।